अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 9 फरवरी 2021 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज PNP लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, हजारों बच्चों का बस एक ही सवाल है कि स्कूटनी का रिजल्ट कब जारी होगा। जी हाँ, देखिए फिलहाल देखिए, आपको जैसा कि पता है कि अभी 4 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन चलेंगे स्कूटनी फॉर्म के लिए। उसके बाद ही दोस्तों आप लोग का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। एक और अपडेट दोस्तों, DLED इंटर्नशिप छात्रों में कन्फ्यूजन। जी हाँ दोस्तों, इस बार आपकी इंटर्नशिप ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, उसको लेकर दोस्तों आपके अंदर कन्फ्यूजन हो रही है, उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगला सवाल दोस्तों, तृतीय सेमेस्टर गणित और संस्कृत। जी हाँ दोस्तों, अगर आप DLED 2019 बैच के छात्र हैं और थर्ड सेमेस्टर का पेपर देने वाले हैं, तो देखिए अगर आप चाहते हैं कि थर्ड सेमेस्टर में आपके अच्छे नंबर आए, तो आपको अभी से गणित और संस्कृत पर फोकस करना पड़ेगा। इन दो विषयों में आपकी बैक लग सकती है। देखिए हाल ही में दोस्तों जो हमारा पेपर हुआ है 4 सेमेस्टर का, उसमें जो पेपर कठिन बना था, सबसे ज़्यादा कठिन पेपर दोस्तों गणित का बनाया गया, क्योंकि काफ़ी लेंथी पेपर रखा गया, जैसे दोस्तों 2019 बैच के छात्रों के साथ हुआ था। उसके बाद दोस्तों गणित के बाद SHT का पेपर दोस्तों काफ़ी कठिन बना दिया गया था, और उसके बाद दोस्तों इंग्लिश का पेपर। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पर तृतीय सेमेस्टर में गणित, संस्कृत और आपको सामाजिक अध्ययन पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अगली अपडेट में हम बात करेंगे नए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा, फेल छात्रों का क्या होगा, और स्कूटनी फॉर्म के नाम पर लूटे जा रहे हैं पैसे। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपको फिर से बता दे रहे हैं, काफ़ी बच्चों में कन्फ्यूजन है कि स्कूटनी फॉर्म के कितने रुपए लगते हैं। देखिए अगर आप एक विषय में फेल हुए, तो दोस्तों आपको सिर्फ कॉलेज में जाकर 100 रुपये जमा करना पड़ेगा। 100 रुपये के दोस्तों स्कूटनी फॉर्म है, तो 100 रुपये में काम हो जाता है। अगर आपसे दोस्तों कॉलेज वाले कह रहे हैं 500 रुपये दो, ठीक है, अगर आपसे कह रहे हैं 200 रुपये दो, तो भी गाइस ये आपके साथ धोखा है, धोखाधड़ी कर रहे हैं। और आप प्राइवेट कॉलेज के औकात समझ सकते हैं कि सोचिए, आपको लगता होगा यार हमारा मालिक कितना अमीर आदमी है, लेकिन 100 रुपये का फॉर्म के चक्कर में दोस्तों आपसे 200 रुपये 300 रुपये लूटे जा रहे हैं। ठीक है, अगली अपडेट में दोस्तों बात करेंगे निदेशालय पर 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, इसको भी हम देखेंगे। उसके बाद एक और अपडेट आई कि TGT PGT भर्ती 2020 में तदर्थ शिक्षकों को राहत देने पर निर्णय अभी तक नहीं हो पा रहा है। फिर उसके बाद देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती को निदेशालय में धरना 57वें दिन भी जारी रहा। सोचिए दोस्तों 57 दिन से बच्चे लगातार धरना कर रहे हैं, और DLED का दोस्तों जो हमारा प्रमोट का मुद्दा उठा था, तो कितने कम दिन में ये पूरा मामला ही खत्म हो गया था, लेकिन यहाँ पर सोचिए 69,000 भर्ती के जो छात्र हैं 57 दिन से लगातार डटे पड़े। फिर उसके बाद अगली अपडेट आती 69,000 भर्ती को ही लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती में वरीयता के नाम पर महिला व दिव्यांग शिक्षकों को मिले दूर दराज के स्कूल। जी हाँ दोस्तों, बातें हो रही थी ना, जो बच्चे के फिजिकल हैंडीकैप छात्र होंगे या महिला होंगे, उनको पास का स्कूल दिया जाएगा, लेकिन ये सच्चाई है। फिर उसके बाद हम अगली अपडेट में बात करने वाले हैं कि अब खुलेंगे देश भर के दोस्तों बंद पड़े विश्वविद्यालय और कॉलेज, UGC ने दी हरी झंडी। जी हाँ दोस्तों, देखिए जब आपके प्राइमरी स्कूल खुल सकते हैं, तो कॉलेज क्यों नहीं खुलेगा। तो एक एक करके दोस्तों आज की हम सारी अपडेट को इस वीडियो में कवर करेंगे, और DLED तृतीय सेमेस्टर डेट शीट 2021 को भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, कैसा डेट शीट आपका दिखेगा, पहले उसकी एक झलक हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपकी जो डेट शीट आएगी कुछ ऐसी होने वाली है। देखिए आपका प्रथम प्रश्न पत्र जो रहेगा शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, दूसरा पेपर दोस्तों समावेशित शिक्षा का होगा, उसके बाद दूसरे दिन आपका विज्ञान गणित और सामाजिक अध्ययन का, अंतिम दिन दोस्तों आपका हिंदी का होगा, संस्कृत या उर्दू का, और आपका कंप्यूटर का पेपर होगा। तो इस डेट शीट को दोस्तों आप अपने मोबाइल में सेव करके पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों देखिए खाली यहाँ पर जो तारीख होगी ना, दिनांक, ये बदल जाएगा, बाकी सब कुछ आपके सामने है। तो जो आप तैयारी करते हैं, तो आपको समझ के तैयारी करना है कि यार गणित का, सामाजिक अध्ययन का और विज्ञान का पेपर एक दिन है, और काफ़ी बच्चों के दोस्त तो विज्ञान में और सामाजिक अध्ययन में भी बैक आई थी, तो इसको अभी से दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि विज्ञान जैसे विषय में अगर आप फेल होंगे, तो फिर आपके लिए देखिए समस्या खड़ी हो सकती है। ठीक है, तो अभी से गाइस आप लोग लग जाइए पेपर की तैयारी में, और जो भी अपडेट आएगी, ठीक है, सारी अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचा देंगे। फिलहाल ये डेट शीट का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बाकी dledresult.com। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको वेबसाइट बता रखी है, अगर आपको दोस्तों DLED का रिजल्ट डाउनलोड करना है, लेटेस्ट अपडेट दोस्तों जानना, DLED में क्या हो रहा है, स्कूटनी का रिजल्ट, फॉर्म कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, क्या करना है, तो उसके लिए दोस्तों ये वेबसाइट आपके लिए बढ़िया है। ठीक है, तो हमने दोस्तों आपके सामने डेट शीट रख दी है, SI पेपर, मतलब डेट शीट आपके पेपर के लिए आने वाला है, समय लगेगा,
तो तब तक इंतजार करिए। और जैसा कि बच्चों के मन में सवाल है कि कब पेपर आपका शुरू हो सकता है, तो देखिए मार्च में पूरी संभावना है, ठीक है। मार्च के बाद अप्रैल नहीं हो पाएगा क्योंकि अप्रैल में चुनाव होने हैं, तो हर हालत में आपका पेपर या तो मार्च में हो जाएगा नहीं तो फिर ज़्यादा देर होगा या ज़्यादा डिले हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगली अपडेट को देखते हैं कि करके आज की सारी अपडेट को हम कवर कर लेते हैं। क्या लाखों छात्रों की बदलेगी किस्मत? जी हाँ दोस्तों, सवाल यहाँ पर ये था कि जो आप स्कूटी का फॉर्म भरेंगे, तकरीबन दोस्तों 1 लाख से ज़्यादा बच्चे पहली बार ऐसा होगा जब स्कूटी के लिए आवेदन करेंगे। जी हाँ ऐसा होता है, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनका मतलब एक भी नंबर नहीं बढ़ेगा, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनका नंबर बढ़ेगा भी, ठीक है। तो देखने वाली बात होगी किन छात्रों का नंबर बढ़ता है और किन छात्रों का नंबर नहीं बढ़ता। तो चलिए दोस्तों एक एक करके आज की अपडेट को हम देखना शुरू करते हैं। अब देखिए जरा स्कूल और कॉलेज खुल रहे हैं क्या अपडेट है। कोरोना वायरस के घटते प्रभाव को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने देश भर में बंद पड़े विश्वविद्यालयों, ठीक है, और कॉलेज को जरूरी सुरक्षा इंतजामों के साथ फिर खोलने के लिए कहा है। हालांकि दोस्तों इन्हें कब खोलना है इसका फैसला उन्हें राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन की सहमति के आधार पर करने को कहा गया, ठीक है। उसके बाद देखिए UGC ने फिलहाल इस संबंध में विश्वविद्यालय और कॉलेजों को पूरी स्वतंत्रता दी है, साथ ही संस्थानों को खोलने के लिए पूर्व में जारी गाइडलाइंस पर अमल सुनिश्चित करने को कहा है। UGC ने यह कदम बड़े मतलब बंद पड़े विश्वविद्यालय और दूसरे उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने की छात्रों की मतलब मांगों को देखते हुए लिया है। हालांकि इसे लेकर UGC पूरी तरह से सतर्क भी है। आगे देखिए, क्योंकि अभी भी महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्थिति गंभीर बनी हुई है, वहां हर दिन हजारों की संख्या में मामले सामने आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ऐसे में UGC बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं है और न ही संस्थानों पर इन्हें खोलने के लिए कोई दबाव ही बनाया गया है। संस्थानों को भी छात्रों को बुलाने से जुड़े निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। वही UGC की संस्थानों को खोलने से जुड़ी गाइडलाइंस में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि ऑफलाइन कक्षाएं जब शुरू हो तो छात्रों को एक सीट छोड़कर बैठाया जाएगा, साथ ही मास्क पहनने और हाथ साफ करने की अनिवार्य बनाया जाएगा। ये बातें दोस्तों फिलहाल आपको पता है, अगर आप लोग DLED कॉलेज में जा रहे होंगे तो कितना आपको एक सीट छोड़कर बैठ रहे हैं या कितना मास्क आप लगा रहे हैं या दोस्तों सैनिटाइज हो रहा है, ये सच्चाई आप जान रहे हैं, ठीक है। ये गाइडलाइंस है जो कि दोस्तों आपके सामने रखी जा रही है। देखिए ये अपडेट ज्यादा बड़ी है कि 57 दिन से बच्चे धरना दे रहे हैं। अपडेट है प्रयागराज से हमारी, 69,000 शिक्षक भर्ती में 4% आरक्षण न दिए जाने पर 57 दिन से निदेशालय पर धरना दे रहे हैं। दिव्यांगों के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी से चित्रकूट, तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज के 72वें अवतरण दिवस पर उनकी जन्मभूमि सुजानगंज जिला जौनपुर में हुई। शिक्षा मंत्री ने कहा मामला उनके संज्ञान में है, परंतु कोर्ट यदि निर्देश देगा तो कार्यवाही होगी, ठीक है। मतलब दोस्तों आज की सरकारें जो है बड़ी होशियार हो गई, सब कुछ ये कोर्ट पर छोड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर मतलब हमारे देश में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ना होता तो मतलब कुछ हो ही ना पाता, ठीक है। तो ये दोस्तों पूरा मामला है, देखते हैं। TGT PGT भर्ती 2020 में तत्पर शिक्षकों को राहत ना देने पर निर्णय नहीं हुआ, तो दोस्तों ये सारे मामले, ठीक है, इसको आने वाली वीडियोस में हम कवर करते रहेंगे। फिलहाल DLED की डेट शीट दोस्तों आपने देख लिया कि कैसे आपका पेपर होगा, तैयारी में दोस्तों आपको जुट जाना है, अभी से देखिए लगना पड़ेगा। एक और सवाल दोस्तों आपका था, क्या स्कूटनी रिजल्ट के बाद तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा होगी? जी हाँ दोस्तों, पूरी उम्मीद यही है जब तक आपका स्कूटनी का रिजल्ट नहीं आएगा। देखिए हमारा जो 4th सेमेस्टर का भी पेपर हो गया जल्दी में, क्योंकि 2018 बैच के 3rd सेमेस्टर के बच्चे भी स्कूटनी का फॉर्म डाले। देखिए कहते हैं जो 4th सेमेस्टर का पेपर हुआ है ना, ये एक अलग मुद्दा था, ये एक अलग मैटर था, क्योंकि PNP पर काफ़ी ज़्यादा दबाव था बच्चों का, क्योंकि PNP ने खुद ही स्टार्टिंग में कह दिया था कि हम जनवरी में हर हालत में जनवरी लास्ट में पेपर करा लेंगे। तो जनवरी लास्ट छोड़ दीजिए दोस्तों, इन्होंने फरवरी 1st वीक में पेपर करा लिया, ठीक है। एक अच्छी न्यूज़ थी कि भाई इन्होंने जो कहा लगभग लगभग वो पूरा कर दिया। अब देखिए जो हमारा 3rd सेमेस्टर का पेपर होगा, अभी किसी तरह का PNP पर कोई दबाव नहीं, इसीलिए जो स्कूटनी का पहली बात तो इतना लंबा समय तो हमें नहीं लगता देना चाहिए था। बताइए 1 महीने तक बच्चे ऑनलाइन आवेदन करेंगे, 4 दिन का दोस्तों समय बहुत होता है, देखिए 4-5 दिन हफ्ते 10 दिन का, लेकिन अब 1-1 महीने का ये समय बर्बाद ही हो रहा है एक तरह से, क्योंकि जब तक स्कूटनी का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक दोस्तों पूरी उम्मीद यही है कि 3rd सेमेस्टर का आपका पेपर शुरू नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनकी सेमेस्टर बैक लगी, ठीक है। 1-2 विषय में फेल होने वाले छात्रों की देखिए बात अलग है, अगर जिन बच्चों के सेमेस्टर बैक है 3 विषय में या 4 विषय में जो बच्चे फेल हैं, जब तक स्कूटनी का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक इनको क्लियर नहीं होगा कि इनको 2nd सेमेस्टर का पेपर दोबारा देना है कि दोस्तों इन बच्चों को 3rd सेमेस्टर का पेपर देना है।
तो ऐसी ढेर सारी कंफ्यूजन बरकरार है। और दोस्तों आज से हम आपको मैथ की वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर मैथ की दोस्तों तीन पार्ट में हम आपको वीडियोस देंगे, ठीक है। मैथ थ्री, तो याद रखिएगा, पहला बहुविकल्पी, फिर अति लघुत्री, फिर लघुत्री। देखिए चैप्टर वाइज वीडियो भी दोस्तों आपको दी जाएंगे, लेकिन फिलहाल पहले आप इन तीन वीडियोस को देखिएगा, जिससे कि आप पेपर में अच्छे से तैयार हो सके। देखिए पेपर में काफी बार सेम क्वेश्चन नहीं फंसता, लेकिन हाँ उसका मिलता जुलता। देखिए मैथ में क्या होता है ना, आपको दोस्तों मेथड याद होना चाहिए, मेथड तैयार होना चाहिए। अब ये कहिए आप लोग दोस्तों, अगर आपको जोड़ना आएगा तो आप 2+2 भी कहेंगे 4 होता है, और दोस्तों आप 3+3 भी कहेंगे 6 होता है। लेकिन अगर आपको दोस्तों मेथड ही नहीं पता कि जोड़ते कैसे हैं, तो अगर आपके सामने दोस्तों हम 4+4 दे दें, तो फिर आप कहेंगे पता नहीं यार कितना आएगा, क्योंकि आप कहेंगे यार हमने तो 2+2 पढ़ा था, 3+3 पढ़ा था, कि 4+4 तो हमने क्वेश्चन ही नहीं देखा। बस यही बात है मैथ में, अगर आपको मेथड तैयार है तो किसी का बाप भी आपको फेल नहीं कर पाएगा। अगर आप मैथ में मेथड नहीं जानेंगे तो फिर आपको पास होना भी मुश्किल पड़ जाएगा, लाले पड़ जाएंगे पास होने के लिए। तो चलिए दोस्तों आपके सवाल के जल्दी जल्दी उत्तर दे दिए जाए। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर डेट शीट तो फिलहाल आपने देख लिया कि कौन कौन से दिन, मतलब कैसा कैसा पेपर होता है। टाइमिंग भी दोस्तों हम आपको दिखा देते हैं, वैसे टाइमिंग आपको पता होगी। पहला पेपर दोस्तों वही सुबह आपका 10 बजे से 12 बजे तक होता है, ठीक है। फिर आपका दूसरा पेपर 2 से 4 बजे तक। फिर जब दोस्तों आप दूसरे दिन जाएंगे थर्ड प्रश्न पत्र तृतीय, तो 10 से 11 देंगे आप। फिर आप दोस्तों गणित का जो पेपर होगा 12 बजे से 1 बजे तक, और दोस्तों आपका सामाजिक अध्ययन का पेपर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। फिर अंतिम दिन दोस्तों जब हिंदी का पेपर होगा 10 से लेकर 11 बजे तक। फिर संस्कृत या उर्दू का पेपर 12 से 1 होगा, और कंप्यूटर का आपका पेपर 2 से लेकर 3 बजे तक होगा, ठीक है। ये दोस्तों समय रहेगी, समय सारिणी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, लेकिन हाँ स्कूटनी के लिए अगर आपके कॉलेज वाले आपको लूट रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा। और आने वाले टाइम में दोस्तों अगर उसी कॉलेज में अगर आपको लूटते ना, तो किसी का एडमिशन मत होने दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, बोल दीजिएगा भैया बहुत ही रद्दी कॉलेज है, मतलब जो बच्चे फेल हुए हैं उनके साथ इनको सहानुभूति दिखाना चाहिए, लेकिन उनके साथ भी ये मतलब बेशर्मी कर रहे हैं और पैसे लूटे जा रहे हैं, ठीक है ना। जो बच्चे पास हुए उनसे पैसे लिए जाते तो ठीक रहता, भैया वो पास हो गए। अब जो बच्चे फेल हुए, पहले तो वो मानसिक तौर पर खुद ही परेशान है, टेंशन में यार कि हमारी बैक लग गई है, क्या होगा, प्रमोट मुद्दा फंसा पड़ा है, 2019 बैच का प्रथम सेमेस्टर रिजल्ट फंसा है। जी हाँ दोस्तों, जब तक फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं जारी होता तब तक बच्चे परेशान रहेंगे। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट बहुत कुछ आपको बताएगा। अब जिन बच्चों की बैक लगी है, देखने वाली बात ये होगी कि उनका रिजल्ट ये कैसे घोषित करेंगे, क्योंकि देखिए कुछ बच्चों का, देखिए मतलब 70,000 से ज्यादा बच्चे फेल है, ये बात आपको पता है। अगर ये मान लीजिए दोस्तों की 70,000 बच्चों का रिजल्ट अभी ये घोषित नहीं करते फर्स्ट सेमेस्टर का, फिर जब अगली बार बैक पेपर होगा, तो ऐसा नहीं दोस्तों की बैक पेपर में अगली बार पूरे 70,000 के 70,000 बच्चे निकल जाए, हो सकता है 35,000 बच्चे निकले या 40,000, फिर उसके बाद भी रिजल्ट रुकेगा। तो यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत है, देखने वाली बात होगी कि जो बच्चों का प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट वो कैसे लाते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।